हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल बीआरजी एकेडमी में स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग सिंप्लीफिकेशन पार्ट 3 पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है दिया है, 1/1 × 2 प्लस, मैं कहाँ नीचे लिखता हूँ, 1/1 × 2 प्लस 1/2 × 3 प्लस 1/3 × 4 प्लस 1/4 × 5 प्लस 1/5 × 6 प्लस इतना दिया है। करें इसका योगफल ज्ञात कीजिए ना। ठीक है, तो जब भी ऐसे सवाल मिले तो आप इसको गुणा वगैरह मत करें ना, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, देखिएगा, 1/1 − 1/2 लिख सकते हैं, प्लस इसको 1/2 − 1/3 लिख सकते हैं, प्लस 1/3 − 1/4 प्लस 1/4 − 1/5 प्लस 1/5 − 1/6 लिख सकते हैं कि नहीं। इसको सॉल्व करेंगे तो यही चीज आए थे। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 6 में से 5 गया 1 और 5 36 है 30 हो जाएगा। क्लियर। उसके बाद क्या करें, देखिए, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस बचा क्या, 1 − 1 − 1/6। इसको सॉल्व करेंगे, 6 × 6 = 5/6, ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर दिख रहा है, 1/6 + 1/12 + 1/20 + 1/30 + 1/42 + 1/56 ये दिया हुआ है इतना, फिर दिया है प्लस, ठीक है, और ब्रैकेट में दिया है 1/3 × 6 प्लस 2/6 × 12 2/6 × 12 फिर दिया है प्लस 3/9 × 18 फिर दिया है प्लस ……, मतलब आगे भी है। ठीक है, फिर बट्टे बट्टे फिर नीचे क्या दिया है, नीचे दिया 1/4 × 7 प्लस 2/8 × 14 प्लस 3/12 × 21 फिर प्लस ……, मतलब आगे भी है, ये क्रम चलता रहे ना, चलता रहा है। अब इसको आप कैसे हल करेंगे ना, इसको हल करने के लिए क्या करेंगे, देखिए यहाँ ध्यान से इसको फ्रैक्चर कर दीजिए ना, और ऐसे ही फ्रैक्चर करिए कि उनके बीच 1 का अंतर हो ना, यानी इसको हम लिख सकते हैं 1/2 × 3 देखिए दोनों के बीच में 1 का डिफरेंट है ना, प्लस इसको लिख सकते हैं 1/3 × 4 1 का डिफरेंट है, सबका ऐसे कर लीजिए 1/4 × 5 प्लस 1/5 × 6 प्लस 6 × 7 फिर प्लस 1/7 × 8 ठीक है, फिर प्लस। क्लियर, इसको सेम वैसे लिख लीजिए, नहीं तो लिख लीजिए आप, देखिए इसमें कॉमन क्या है ना, क्या देखिए इसमें भी 3 है, 36 = 18 इसमें है ना, इस पूरे में 18 है, इसमें देखिए जाए 3 है, इसमें 6 है, इसमें 6 है, इसमें 3 36 = 18 इसमें भी है, इसमें जरा ये 9 18 यहाँ भैया 18 इसमें भी है, तीनों में 18 है तो 18 कामन हो सकता है ना, यहाँ पर 18 कामन ले लीजिए। ठीक है, फिर बट्टे जरा इसमें आइए, 7 × 28 ठीक है, जरा देखिए इसमें 28 है क्या, 14 में 28 इसमें भी 28 है ना, ये 28
और इसमें देखिए जरा 28 है क्या, इसमें 7 है और इसमें 4 है, 24 28 इसमें भी है, यानी मैं 28 का मान ले सकता हूँ, तो यहाँ पे 28 का मान, क्लियर है कि ना। अब जरा देखिए इसमें क्या बच रहा है, 36 18 चल गया, तो यहाँ पर क्या बचेगा, 1 प्लस यहाँ पर निकल गया 36 18 निकल गया, तो क्या बचा, यहाँ 2 बचा है, यहाँ क्या बचा 4, 3 यहाँ से निकल गया ना, इसको मैं लिख सकता हूँ 3 × 4, तो 3 निकल गया, तो 4 × 8 क्लियर है, फिर प्लस यहाँ पे 18 निकल गया, तो 29 27 बचा, ठीक है, फिर प्लस डॉट 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 ऐसे आगे आएगा ना, फिर बट्टे इसमें जरा आइए 28 28 निकल गया, बचा क्या 1 प्लस 14 × 28 निकल गया, बचा क्या 8 प्लस इसमें क्या बचेगा 24 28 बचा, यहाँ पे 3 इसमें क्या बचा 3, यहाँ पे भी 3 यानी 27, फिर प्लस डॉट 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 आगे ऐसे चला जाएगा, यहाँ तक क्लियर है, फिर यहाँ आगे यहाँ पे हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/2 − 1/3 प्लस 1/3 − 1/4 प्लस 1/4 − 1/5 1/5 प्लस 1/6 और प्लस 1/7 − 1/8 क्लियर है ना। अब इसको ऐसे ये प्लस इसको ऐसे रख दीजिए, परीक्षा में लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, ये इसको हम समझ लेंगे, फिर आइए अब देखिए काट लीजिए प्लस माइनस कट जाएगा ना सब, सॉरी यहाँ पे माइनस आएगा ना, ये माइनस है नहीं, तो ये भी कट जाएगा, बचा कितना 1/2 − 1/8 क्लियर, इतना ये थोड़ा सा यहाँ पे सुधार कर लिया, मिस्टेक हो गया नहीं, ये 4 ये वाला था 5 6 ठीक, फिर 6 7 इसका ही छूट गया है, तभी तो मैं कहूँ मिस्टेक कहाँ है, ये क्या हो जाएगा 1/6 और −1/7 ये वाला, ठीक है, फिर प्लस 1/7 − 1/8 अब सही है, ठीक है, इसको हम वैसे लिख लेंगे प्लस 18/28 ये जो है, तो ये लिखने की जरूरत नहीं है, हम बस ऐसे डैश कर लेंगे, इसे बार बार लिखने पर समय वेस्ट होगा ना, तो ये कट जाएगा अब इससे कट जाएगा और ये दोनों इससे कट जाएगा, बचा कितना 1/2 − 1/8 ठीक है, और ये भी कट जाएगा, देखिएगा जरा दोनों सेम है ना, तो ये भी तो कट जाएगा, बचा कितना बस यही ना, तो लिख ही लीजिए यहाँ पे 18/28 क्लियर, इसको भी काट लीजिए, किससे कटेगा 2 से कट जाएगा, 2 × 18 और 14 × 28 यानी यहाँ पे प्लस बच गया 9/14 क्लियर है इतना। अब तो आसान हो गया, भिन्न हो गया छोटा, इसका क्या करेंगे, हर बराबर करेंगे, हर बराबर करने के लिए क्या करते हैं, लहसुन लेते हैं, लहसुन लीजिए कितना आ जाएगा, लहसुन आपका आ जाएगा 14 × 28 करिए नहीं कटेगा, 14 × 42 करिए नहीं कटेगा, 14 × 56 करिए कट जाएगा, इस जो बड़ी संख्या है उसका डबल करते जाइए, 2 × 3 × 4 × वहाँ तक करिए जब तक इन दोनों से कट ना जाए, तो 56 से 56 इससे भी कटेगा इससे भी कटेगा, तो ये हमारा लॉस हो गया नहीं। फिर यहाँ पर आइए 2 कैसे भाग करेंगे कितना आएगा 28 28 कैसे में पूरा करेंगे 28 आएगा, फिर माइनस 8 कैसे भाग करेंगे 7 आएगा 7 कैसे में पूरा करेंगे 1 में 7 ही आएगा, प्लस 14 × 56 और 4 × 9 में पूरा करेंगे तो कितना आएगा 36 बराबर, ठीक है, 28 में से 7 हटा लीजिए कितना आएगा 21 और 21 को 36 में जोड़ लीजिए कितना आएगा 57 57/56 इसको ये कौन सा भिन्न है, ये विषम भिन्न है, इसको मिश्र भिन्न में चेंज कर लीजिए चाहिए तो कितना जाएगा 1/56 हमारा आंसर हो गया, ये भी हमारा आंसर है, ये भी हमारा आंसर है, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है 1 + 1/x + 1 ब्रैकेट में, फिर दिया है ब्रैकेट में 1 + 1/x + 2 ब्रैकेट बंद, फिर ब्रैकेट में दिया है
एक प्लस एक बटा एक्स प्लस थ्री, ब्रेकेट बंद, फिर दिया है एक प्लस एक बटा एक्स प्लस फोर, क्लियर है। कल इसका मान ज्ञात करेंगे, चलिए ज्ञात कर लेते हैं मान, इसको हल करेंगे ना, इसको इसमें गुणा करेंगे और इसमें जोड़ते हैं तो एक एक दो हो जाएगा, यानी हो जाएगा एक्स प्लस टू बटे एक्स प्लस वन, क्लियर। फिर ये यहाँ कुछ नहीं है, मतलब गुणा, इसका इसमें गुणा करेंगे तो ये चीज आएगा ना, और ये जोड़ेंगे तो क्या जाएगा, एक्स प्लस थ्री बटा एक्स प्लस टू, क्लियर है। फिर इसको इसमें गुणा करेंगे और जोड़ देंगे एक, कितना आ जाएगा एक्स प्लस फोर बाई एक्स प्लस थ्री, ठीक है। फिर इसको जोड़ेंगे, सॉरी ये गुणा हो जाएगा ना, गुणा थ्री में, फिर ये गुणा, इसका इसमें गुणा करेंगे और एक जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा एक्स प्लस फाइव बट्टा एक्स प्लस फोर। ये जोड़ने में कोई कन्फ्यूजन नहीं है ना, देखिए इसका इसमें गुणा करेंगे और एक्स प्लस फोर प्लस वन ये करेंगे तो इसमें जुड़ जाएगा ना, अच्छा एक साथ जुड़ते हैं और चार एक साथ, ठीक है। अब जरा देखें, ये इससे कट जाएगा, ये इससे कटेगा, ये इससे कटेगा, बचेगा क्या एक्स प्लस फाइव बट्टे एक्स प्लस वन, यही हमारा आंसर है, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन दिया है ए माइनस एक्स बट्टे ए, फिर प्लस टू ए माइनस एक्स बट्टे टू ए, फिर बराबर थ्री ए माइनस एक्स बट्टे थ्री ए हो तो करा एक्स का मान ज्ञात कर लिए, एक्स का मान ज्ञात कर लें, क्लियर है। चलिए करते हैं, सबसे पहले इन दोनों को हल कर लीजिए, इन दोनों को हल करेंगे दोनों का एलसीएम लेंगे क्या आएगा टू ए, क्लियर है, टू ए आएगा। अब ये ऐसे से भाग करेंगे ऐसे कट जाएगा, बचेगा दो, दो का इसमें गुणा कर दीजिए कितना आएगा दो ए प्लस सॉरी माइनस टू ए, क्लियर है ना। फिर ये प्लस इसका ऐसे भाग करेंगे तो एक आएगा, एक का गुणा करेंगे आएगा टू ए माइनस एक्स, और बराबर इसको यही लिख दीजिए थ्री ए माइनस एक्स बट्टे थ्री, क्लियर। अब जरा देखिए टू ए और टू ए, दो बार टू ए है, कितनी बार हो जाएगा चार बार टू ए, ठीक है। दो बार देखिए, दो बार यहाँ पे कर्जा लिया है और एक बार यहाँ पे कर्जा लिया है, कितनी बार कर्जा, तीन रुपया कर्जा हो गया ना, समझ लीजिए कर्जा है दो रुपया, एक रुपया और कर्जा लिया तीन रुपया कर्जा, यानी माइनस माइनस जुड़ जाता है और चिन्ह माइनस का होता है। टू ए बराबर थ्री ए माइनस एक्स बट्टे थ्री ए, से ए कट जाएगा थ्री ए पूरा कर लीजिए, तीन का इसमें गुणा करेंगे ना तो तीन चौक बारह ए, इसमें करेंगे माइनस तीन थ्री के नौ, तीन थ्री के नौ ए, नौ एक्स बराबर इसका इसमें गुणा करिए तीन दूना छ ए माइनस टू एक्स, इतना क्लियर है। चलिए अब बाकी मैं यहाँ लगा देगा, इन दोनों को एक साइड कर लिया और इन दोनों को एक साइड कर लीजिए ना, इसको उस तरह भेजेंगे तो 12a माइनस 6a हो जाएगा, इसको इस साइड भेज दीजिए तो माइनस 2x प्लस 9x, क्लियर है ना। ये कितना हो जाएगा 6a, ये कितना हो जाएगा 7x, तो x बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, इसको पक्षांतर करेंगे 6a बटे 7, और यही हमारा आंसर हो गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये ऑप्शन नंबर डी सही है ना, चलिए आगे बढ़िए। चलिए अगला सवाल दिया है दशमलव आठ सात का क्यूब प्लस जीरो दशमलव एक तीन का क्यूब बट्टे जीरो दशमलव आठ सात का क्यूब सॉरी स्क्वायर, और ये दिया है प्लस में जीरो दशमलव एक तीन गुणे स्क्वायर दिया है स्क्वायर, फिर माइनस जीरो दशमलव आठ सात गुणे जीरो दशमलव एक तीन, ठीक है ये दिया हुआ है, ये हमारा क्वेश्चन है। तो इसका मान ज्ञात करना है, कर लेते हैं, जरा देखिए इसको गौर से देखिए, ए क्यूब प्लस बी क्यूब,
ठीक है, बराबर क्या होता है, ए प्लस बी। अब ए स्क्वायर माइनस ए बी और प्लस बी स्क्वायर, ये होता है ना। और इसको यहाँ पे और इसको यहाँ पे कर सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। चलिए तो कर लीजिए इसको, ये जरा देखिए ऊपर वाला सेम है ना, और ये वाला देखिए सेम है कि नहीं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी सेम है ना। यानी अगर मैं इसको इस तरफ भेज दूँ तो यहाँ पे क्या बचेगा, ये ए स्क्वायर माइनस ए बी और प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ से ये हट जाएगा, उस तरफ भेज दिया, यानी ये सेम इसी के बराबर है ना। ये इसका मतलब ये ए है बी है, और ये दोनों को जोड़ दें हम 8.7 प्लस 0.13, तो हमारा आंसर नहीं आ जाएगा, कितना आ जाएगा 1। क्लियर है, फिर से बार समझ लीजिए, ये और ये सेम कंटेंट है, और हम जानते हैं इसके बराबर ए प्लस बी होता है ना। तो क्या करना है, इसको बस जोड़ देना है दोनों को, ए और बी को, और यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर आप विस्तार से जानना चाहते हैं तो इसको विस्तार कर लीजिएगा, फिर इसको काट लीजिएगा, फिर ये चीज आएगा। तो ऐसे कहानी करेंगे तो एग्जाम में समय ज़्यादा वेस्ट हो जाएगा ना। केवल आप ये याद रखिए ए प्लस बी बराबर इतना होता है, और कट कर लीजिए। चलिए आगे देखते हैं, चलिए उसी टाइप का एक और क्वेश्चन है देख लेते हैं। दिया है 0.216 प्लस 0.064। क्लियर है, फिर दिया है बट्टे में 0.36 प्लस 0.16 माइनस 0.24। उसी टाइप का सवाल है, थोड़ा सा चेंज है, जरा देखिए इसको गौर से कि किसका क्यूब है। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, 6 का क्यूब लिख सकता हूँ प्लस इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, 8 का क्यूब 0.8 का क्यूब लिख सकता हूँ बट्टे इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 0.6 स्क्वायर लिख सकता हूँ प्लस इसको, सॉरी ये 8 का क्यूब में 4 का क्यूब होगा ना, 64 है ना, 4 का क्यूब। क्लियर, इसको क्या लिख सकता हूँ 4 का स्क्वायर और माइनस इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 0.6 × 0.4 लिख सकता हूँ कि नहीं, ठीक है, 6×6=24 हो जाएगा। अब जरा देखिए वही कहानी आ गई फिर से, ए क्यूब प्लस बी क्यूब बटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी बराबर क्या होता है, ए प्लस बी, यानी 0.6 + 0.4 जोड़ेंगे 6×4=10 एक आंसर। क्लियर है ना, समझ में आ रहा है कि नहीं, बहुत आसान है। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलिए उसी पर एक टाइप और देखते हैं। इसे दिया है 8.7 रुकिए दोस्तों मैं इंक डाल लेता हूँ, दोस्तों मार्कर का ही खत्म हो गया था इसलिए चेंज करना पड़ा। चलिए फिर से देखते हैं सवाल नंबर अगला है 8.73 × 8.73 × 8.73 तीन बार दिया, ठीक है, फिर दिया प्लस 4.27 × 4.27 × 4.27 ठीक है, फिर दिया है बट्टे क्या दिया है 8.73 × 8.73 फिर माइनस 8.73 × 4.27 फिर दिया है प्लस 4.27 × 4.27 ठीक है। यार गौर से देखिए वही सवाल है सेम, दिखने में बड़ा है लेकिन बहुत छोटा है। देखिए पूरा क्या है, ए क्यूब नहीं है, ए क्यूब है 8.73 का क्यूब, फिर प्लस ये बी क्यूब हो गया बट्टे,
ये क्या होगा ए स्क्वायर 8.73 का स्क्वायर माइनस ये क्या होगा ए बी हो गया ठीक है, प्लस ये क्या हो गया बी स्क्वायर 4.27 है ना। और आप जानते हैं एक बार और मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ, ए क्यूब और प्लस बी क्यूब बट्टा ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर बराबर होता है 1 + b। यहाँ पर याद रखिएगा सेम चीज है दोनों, देखिए ये है ए ये है बी ना, तो इसको दोनों को जोड़ लेंगे बस आंसर आ जाएगा 8.73 प्लस 4.27, इनको जोड़ेंगे आप तो कितना आ जाएगा 13 आंसर है ना। ठीक है दोस्तों, एग्जाम में आपको ये भी लिखने की जरूरत नहीं है ना, आपको बस यहाँ पर देखते इसकी शक्ल देखते ही आपको पहचान जाना चाहिए ना कि ये प्लस बी बस कर देंगे आंसर आ जाएगा। ठीक है तुरंत बस आपको यही करना है, ये सब कहानी करने की जरूरत नहीं है ना, ये लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं, चलिए अगला सवाल देखते हैं। ये अलग टाइप है, दिया है 2 × 3.5 × 3.5 प्लस 2 × 6.5 × 3.5 प्लस 6.5 × 6.5 अब बट्टे दिया है, बट्टे बट्टे नहीं दिया है कल इसका मान क्या था। ठीक है दोस्तों बस ये दिया है इसका मान पूछा है, जरा गौर से देखिएगा इसको 3.5 ए स्क्वायर लिख सकते हैं प्लस 2ab दिख रहा है कि नहीं, 2 × 6.5 × 3.5 प्लस ये बी है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab किसके बराबर होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर यही होता है ना, इसी का ये फार्मूला है। अब दोनों को जोड़ लीजिए ना, कितना आ जाएगा दोनों को जोड़ेंगे तो 10 आ जाएगा, 10 का स्क्वायर कितना 100। ठीक है दोस्तों एग्जाम में आप ये लिखने की जरूरत नहीं है, आप फार्मूला की तरह लिखिए ऐसे, ये ए स्क्वायर है ये 2ab है और ये बी स्क्वायर है, क्लियर है ना, और इसको जब आप शॉर्ट करेंगे तो क्या हो जाए ए प्लस बी का होल स्क्वायर यही होता है। सब मान लीजिए ए है और इसको मान लीजिए बी है, दोनों को जोड़ के तुरंत कर लेंगे, क्लियर। तो इस तरह से अपना समय बचाएंगे, ये समझाने के लिए आपको मुझे ये करना पड़ रहा है, ये तो सब सेकेंडों के सवाल है ना, आप खुद से करेंगे बहुत जल्दी कर लेंगे। ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल दिया है ए बराबर 16 और बी बराबर 5, तो कह रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी बट्टा ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर क्या आएगा, क्लियर है। चलिए तो जरा ये बताइए ए क्यूब बी क्यूब बट्टा ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, क्या होता है दोस्तों ये आपको मैंने बताया है, क्या होता है ए माइनस बी, पहला पार्ट देख लीजिएगा इसका, ए माइनस बी बराबर ये होता है ना, और यहाँ पे क्या किया इसको पलट दिया ना, इसको पलट दिया है तो इसको भी पलट दीजिए ना, आप इसको भी पलट दीजिए, पलटेंगे तो इसके बराबर मैं क्या लिख सकता हूँ ए बट्टा ए माइनस बी, क्लियर। इसका मतलब इसका मान कितना है ए माइनस बी, और ए माइनस बी का मान दिया ए का बी का, यहाँ पर रख दीजिए एक बट्टा एक मान कितना 16 माइनस बी का मान कितना 5, हल करेंगे कितना आएगा एक बट्टा कितना 11, ये है हमारा आंसर। ठीक है दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं, चलिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल दिया है एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है फिर एक्स की घात माइनस है वाई पे घात माइनस है प्लस वाई पे घात माइनस है और जेड पे घात माइनस है, फिर दिया प्लस जेड पे घात माइनस है
और ये एक्स स्क्वायर माइनस है, थोड़ा इसका मान ज्ञात कर लेना, इसका मान ज्ञात करना है। चलिए कर लेते हैं दोस्तों, जब भी ऐसा दे दे, जैसे दे दिया एक्स स्क्वायर माइनस है, तो इसको चेंज जब आप करेंगे, ये माइनस को हटाएंगे, तो माइनस को हटाने के लिए क्या करते हैं, इसको प्लस देते हैं, इसको लिखते हैं एक बट्टा एक्स। इसे मान लिया है पाँच प्लस माइनस है, तो इसको मैं क्या लिखूंगा, ये माइनस हटाने के लिए लिखूंगा एक बट्टा पाँच, ठीक है ना। ये तो आपको पता ही है, पिछली कक्षा में बचपन में आप लोग पढ़े होंगे, नहीं पढ़े हैं तो देख लीजिए, सीख लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको क्या लिखेंगे, वैसे लिख देंगे एक्स प्लस वाई प्लस जेड। नीचे आएंगे इसको पलटेंगे तो क्या आएगा, एक बट्टा एक्स और ये बुढ़े एक बट्टा वाई, या डायरेक्ट लिख लीजिए एक्स वाई, क्लियर। फिर प्लस इसको भी पलटेंगे तो एक बट्टा वाई जेड, प्लस इसको भी पलटेंगे तो एक बट्टा जेड एक्स। दोस्तों कोई कंफ्यूजन इसमें, अभी मैंने बताया था इसको पलटेंगे तो क्या होगा, एक बट्टा यक्स, अगर एक बट्टा वाई लिखेंगे तो गुणा करेंगे तो एक बट्टा यक्स वाई नहीं होगा, तो झूठ मूठ क्या है, क्यों समय वेस्ट कर, एक ही बार लिख लेते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इन तीनों का एलसीएम लेंगे, हर बराबर करेंगे ना, हर बराबर करेंगे तो क्या आएगा, पहले इसको ऊपर लिख लीजिए यक्स प्लस वाई प्लस जेड बट्टा, तीनों का एलसीएम लेंगे तो आएगा यक्स वाई जेड, ठीक है। अब इससे भाग करेंगे, इसे मेरे एक्स वाई कट जाएगा, बच जाएगा जेड, जेड का इसमें गुणा करने जाएगा जेड, फिर ये प्लस इससे भाग करेंगे वाई जेड से, वाई जेड कट गया बचा कितना एक्स, एक्स का इसमें गुणा करेंगे तो एक्स ही आएगा, फिर प्लस जेड एक्स से भाग करेंगे तो बचे कितना वाई, और वाई का इसमें गुणा करेंगे तो वाई ही आएगा। अब दोस्तों ये ऊपर चला जाएगा, आपको पता है पलटी मारता है तो ऊपर जाता है, ऊपर जाएगा तो क्या बचेगा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड और एक्स वाई जेड बट, और ये क्या, इसको सही से लिख लीजिए, जैसे ये है एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है दोस्तों। इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है ना, दो में पाँच जो ये चाहे पाँच में दो जोड़िए, बात बराबर है, साथ ही आएगा ना, तो एक्स में चाहे वाई जोड़िए चाहे वाई में एक्स जोड़िए, इसको कैसे भी जोड़ेंगे, इसको लिख लिया मैं सही से लिख लिया, ये कट गया बचा कितना एक्स वाई जेड, और ये हमारा आंसर, क्लियर दोस्तों। अगर किसी को भिन्न में कोई परेशानी हो, भिन्न में कोई तकलीफ हो, कठिनाई हो रही है, तो मैं 6, 7, 8, 9, 10 तक इन सब क्लासों का भी वीडियो अपलोड करता हूँ, तो आप 6, 7, 8 का भी वीडियो देख सकते हैं, जिनका बेसिक बहुत कमज़ोर है वो 6, 7, 8 का वीडियो ज़रूर देखें। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल दिया है यक्स बट्टे 2y बराबर 3/2, तो कह रहा है कि 2x प्लस वाई बट्टे यक्स माइनस 2y बराबर क्या होगा, क्लियर है दोस्तों, ये पूछा है, ठीक है। चलिए कर लेते हैं, इसको इस तरफ भेज दीजिए, इसको दो को जो ऊपर भेजे इधर भेजेंगे गुणे में जाएगा ना, या एक इसको काट लीजिए, ठीक है, तो चलिए काट ही लेते हैं, दूसरे दो कट जाएगा ना, तो यहाँ क्या बचेगा एक्स बट्टे वाई, यहाँ पे क्या बचा दो बट सॉरी 3/1। कोई कंफ्यूजन है इसमें किसी को, जब भी दो साइड में दिया है, एक साइड लेफ्ट साइड राइट साइड में, तो हर से हर पड़ जाता है और अंश से अंश, ये नहीं कि हर से अंश को काट लीजिएगा, गलत हो जाएगा, हर कटेगा, क्यों, क्योंकि इसको प्रशांतर करते हैं तो यहाँ पे रूढ़ा में आ जाएगा और दूसरे कट जाएगा, क्लियर है इतना। अब यहाँ पे एक्स बराबर मान लीजिए 3 है और वाई बराबर मान लीजिए 1 है, दोनों को मान यहाँ पर रख दीजिए, दोनों को मान यहाँ पर रखेंगे तो 2 × एक्स का मान कितना 3 प्लस वाई का मान कितना 1, यहाँ पे वाई एक्स का मान कितना 3 माइनस 2 वाई का मान कितना 1, 3 × 6 प्लस 1 3 − 2 बराबर कितना 6 × 7 आंसर। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन दिया है a बट्टा b बराबर 3/4, ठीक है, और दिया 8a
प्लस 5b बराबर 22 करें, ये कमांड ज्ञात करें। ठीक है दोस्तों, चलिए करते हैं। ये कमांड ज्ञात करना है ना, तो ये को इधर भेज दीजिए, ये को इधर पसंद करेंगे या इसको इधर भेज दीजिए, तो ये बराबर हमारा हो जाएगा, ये उस तरफ जाएगा, तो सॉरी ये बराबर है, बी बराबर कितना हो जाएगा, इसको इधर भेजेंगे 4a/3। क्लियर है? और इसको डिटेल से समझना है तो समझ लीजिए आप, इसका तीर पूरा करिए 4a/3b। क्लियर है? अब इसको इधर भेजेंगे तो b बराबर ये आ रहा है ना 4a/3। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब b का मान इसमें पुट कर दीजिए, हमको एक मान निकालना था, तो b का मान इसमें पुट करेंगे तो एक मान आ जाएगा ना। चलिए करते हैं, 8a+b का मान कितना है, 4a/3 = 22। क्लियर है ना, 8a+ इसको गुणा करेंगे 5 × 20, 1/3 = 22। इन दोनों को अलग करेंगे 8 × 3 = 24, 24 है यहाँ पे है, 20 है यहाँ पे है, दोनों को जोड़ेंगे कितना आएगा 44 है, 1/3 = 22। क्लियर है? अब जरा देखिएगा, 22 × 22, अब 22 तो नहीं 44, यहाँ पे क्या बचा है, 3 को इधर भेजेंगे तो कितना बचेगा, 2a + 3 यहाँ पे आके गुणा करेगा तो 3 हो जाएगा, फिर a बराबर कितना हो गया 3/2, और यही हमारा आंसर है। क्लियर है? तो दोस्तों उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूं तो नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।